अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती आरती नरवारे के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश कोषाध्यक्ष सचिन ने सफाई कर्मचारियों की बैठक को लेते हुए और उनकी सारी समस्या को मीडिया के सामने रखा। कर्मचारियों की जितनी भी समस्या है, 20 साल से सफाई कर्मचारियों को नियमित करने पर चर्चा चली आ रही है, लेकिन अभी तक कोई नियमितीकरण नहीं किया गया। जल्द से जल्द नियमितकरण किया जाए, मध्य प्रदेश के हर जिले में बामिक भवन बनाकर दिया जाए ताकि वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को कार्यक्रम करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। शिक्षा विभाग में जो भी सरकारी योजना आती है वह हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चों को नहीं दी जाती। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। बामिक समाज के लिए पूरे मध्य प्रदेश में स्कूल अलग बनाए जाएं। कर्मचारियों का पीएफ हर महीना रेगुलर मिलना चाहिए। सफाई कर्मचारियों के परिवार और सफाई कर्मचारी को मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए। सफाई कर्मचारियों को महीने में 4 अवकाश मिलना चाहिए। सफाई कर्मचारियों की मासिक वेतन 15,000 से 20,000 होना चाहिए ताकि उनके बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से हो पाए और परिवार ठीक से चल पाए। 7,000 से 8,000 रुपए में कैसे परिवार चलता है, ये कोई सफाई कर्मियों से पूछो। पूरे मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के कच्चे मकान तोड़कर उनको पक्के मकान आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। हमारे सफाई कर्मचारी आज भी बेबसी का जीवन यापन कर रहे हैं, कच्चे मकान और झोपड़िया में रह रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों के पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार दिया जाए ताकि उनका भविष्य मजबूत बने। सफाई कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाए। पूरे मध्य प्रदेश में सफाई कर्मचारियों को जाति प्रमाण पत्र बनाने का आदेश भी जारी किया जाए। सबसे ज्यादा जाति प्रमाण पत्र को लेकर समस्या आ रही है। कर्मचारियों के बच्चे एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ पंडित 9742 प्रदेश अध्यक्ष आरती नरवारे के आदेश अनुसार पूरे मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की बात रखते हुए मीडिया पर चर्चा करते हुए सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। मध्य प्रदेश कोषाध्यक्ष सचिन वाल्मीकि ने बैठक में इन विषयों पर समाज के लोगों से चर्चा की और सरकार से मांग की है। सर, आज बैठक हुई है, बैठक में 20 साल से नियमितकरण को लेकर बात हुई है, क्या नाम बताइए? मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश कोष अध्यक्ष। आज मैंने बैठक एक आयोजन की हुई है जिसमें सफाई कर्मचारियों के करीबन 20 साल से नियमितकरण रुका पड़ा हुआ है और ये संगठन जो है ना, हमारी पार्टी जो वर्तमान पार्टी है उसके अनुसार बना हुआ है और हमने जो है ना सभी जगह अपने अपने लेटर जो है लगा के और सफाई कर्मचारी के द्वारा सरकार को अवगत कराया गया, लेकिन सरकार को अवगत कराने के द्वारा भी जो है ना सरकार ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश द्वारा आज जो है बैठक का एक आयोजन किया गया BIG रोड पर और हमने जो सफाई कर्मचारियों का निरीक्षण किया है जो हमने माननीय कार्यकाल में, तो सफाई कर्मचारियों की मध्य प्रदेश के अंदर में पूरे गंभीर रूप से जो है ना भौतिक स्थिति खराब है। सफाई कर्मचारियों को रेगुलरली ड्यूटी करा के 12-12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है लेकिन उनको पेमेंट जो है ना टाइम से नहीं दी जाती। ये है कि हमारे जो सफाई कर्मचारियों की मान के चलो जो आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बना के दिए जाते हैं, तो हमारा कहने का मतलब ये है जहाँ पे हमारी वाल्मीकि समाज निवास कर रही है वहाँ पे तोड़कर 2 BHK मकान दिए जाएं उनको, क्योंकि बंद BH में उनका परिवार जो है ना नहीं रह पाता है। तीसरी चौथी बात यह है कि हमारे वाल्मीकि समाज के लिए कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है, तो उनके लिए पूरी फैमिली के लिए मेडिकल सुविधा का लाभ भी जो है ना एक कार्ड बना के सफाई कर्मचारियों की फैमिली के लिए दिया जाए ताकि उनकी फैमिली का अच्छे से इलाज हो सके और उनको चिकित्सा का सहयोग मिल सके। चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वाल्मीकि समाज के जो है ना बच्चे बच्चियाँ बहुत बिछड़ चुके हैं शिक्षा विभाग के अंदर में, तो हमारा माननीय सरकार से निवेदन है कि हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए एक स्कूल अवगत कराया जाए। एक एक स्कूल जो है ना पूरी वाल्मीकि समाज के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में अवगत कराया जाए। चौथा हमारा एक बहुत बड़ा विषय है जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में हमारी वाल्मीकि समाज दिनेमान बिछड़ती जा रही है और वर्तमान सरकार को हम लगातार जो है ना अवगत कराए जा रहे हैं
लेकिन अब हमारा मान के चलो कल से जो है ना हर वार्ड के अंदर में जोड़ा है, हर मोहल्ले के अंदर एक स्वच्छता अभियान इस संगठन के द्वारा, हमारे अखिल भारतीय संगठन के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष आरती श्रीमती आरती नरवारे के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। मैं कोष अध्यक्ष सभी वाल्मीकि समाज को अपनी साइड से बोल रहा हूँ कि सभी वाल्मीकि समाज जो है ना जागरूक हो और सरकार से अपनी सारी समस्याएं सारी चीज़ें बताई जाएं और सरकार को ये चीज़ अवगत कराई जाए कि यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारी एक वाल्मीकि समाज जो है भर करोड़ काल में 4 साल जो उनने अपनी निर्भूमता निभाई हुई है उस निर्भूमता को देखते हुए हमारी वाल्मीकि समाज के साथ में न्याय किया जाए और उनको सभी चीज़ों का लाभ दिया जाए। धन्यवाद।